सर बाहर पूल में। इसे बाहर निकालो जल्दी। जी सर। खोलो इसे। सर ये तो नकली है। लकड़ी? क्या मजा आ गया ये सब? क्या लगा रखा है? इंस्पेक्टर साहब, कब से देख रहे हैं आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह से हमें परेशान किया जा रहे हैं। अरे हमें क्या पता ये क्या है? मजाक बना के रख दिया आपने हमारा। हम तो बस यहाँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने आए थे बस। और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, आप लोग प्लीज जाइए और हमें हमारे फैमिली के साथ एंजॉय करने दीजिए प्लीज। अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ भी सस्पिशियस दिखता है तो तुरंत इन्फॉर्म करना। जी। चलो। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे भी शांति नहीं मिलती। माही, 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 आखिर ये माजरा क्या है? ये हो क्या रहा है? ये सत्या के हाथ में चोट लगी है, पुलिस आ रही है और माही प्रेग्नेंट है, दो बच्चे, क्या? वो क्या है ना माजी, वो जंगल में गोली चली तो माही परेशान हो गई थी, इसीलिए पुलिस आ गई तो ये सब ड्रामा आमा इसलिए किया। हो ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू? और नहीं माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्य, तेरी शादी में इच्छा से